महानगर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एडीजी जोन अखिल कुमार की अध्यक्षता में कमिश्नर सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि महानगर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। इसके साथ पटरी व्यवसायियों के लिए व्यवस्था व रोड चौड़ीकरण के लिए जो काम चल रहा है उसमें तेजी लाने के लिए संबंधित विभाग को गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए निर्देश दिया गया है। और जहां पर भी महानगर में अतिक्रमण है वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम PWD पुलिस ट्रैफिक की टीम बनाई गई है। यह टीम रोड चौड़ीकरण में आने वाली बाधा को दूर करेगी। उन्होंने कहा शहर में रोड के किनारे खड़ी गाड़ियों की ITMS के माध्यम से चालान किया जाएगा और खड़ी गाड़ियों की प्रवर्तन दल के साथ टोइंग की कार्यवाही की जाएगी और जो भी कार्य अधूरे हैं उसको पूरा करने के लिए सभी विभागों को निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार NG, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, SSP डॉक्टर विपिन ताडा, ADM सिटी विनीत कुमार सिंह, SP सिटी सोनम कुमार, SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह, RTO अनीता सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा या तो बिल्डिंग आएगी या गाड़ियां, मतलब यहाँ शहर में तो इट्स नॉट एन इशू है ना, फेंसिंग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए है ना। सर इसी में जो GDA टावर पहले से शुरू करेंगे सर, इसमें लगातार सर पुलिस प्रशासन के बीच में पूरा लगातार कटक वाला आपके सामने प्रस्तुत करेंगे सर, फिर आपसे मार्गदर्शन चाहिए। अभी तो मैं एक जो कल गया था उसको शुरुआत करना चाहता था कि सबसे पहले जो सबसे मेजर पॉइंट है ये जो रेलवे स्टेशन के सामने वाला है, ठीक है, वहाँ हम लोग गए थे कल, मेरे साथ SP ट्रैफिक भी थे, जो ARM रोडवेज थे और नगर निगम से कर्नल साहब हो सकते हैं, तो उसका दो तीन सोल्यूशन बड़ा इफेक्टिव है। नंबर वन उनसे जब कहा गया तो बोले सर वर्कशॉप जो है एक महीने में हम शिफ्ट कर देंगे, तो एक महीना ख़त्म नहीं हो रहा, तो वो कहे भाई क्यों रहे, तो पैकफेड के कुछ लोग बना रहे हैं वहाँ राफ्टी नगर वाला, तो सबसे पहले तो वो पूछिए पैकफेड वाले कब बना के देंगे, है वो यहाँ आए या नहीं आए, पैसा रिलीज होने के बाद सर 45 दिन में हैंडओवर दे 100 रुपये, ठीक है, तो ये पैसा एडवांस में थोड़ी मिलेगा, काम चल रहा है टोटल कितना परसेंटेज पैसा मिला है 80% एक उसको यूज कर सकते हैं, लैंड को वहाँ करीब 50-100 बस आ सकती, कितनी आ सकती है 50 बस तो आराम से आ सकती है, और इन्होंने खुद बोला कि साहब इसको कर दीजिए तो हमारी बसेस बाहर की, हमने बोला टिल दैट राप्ती नगर हैपेंस आप इसको यूज करो तो आपकी बसेस यहाँ आके लग जाएगी। उसमें दो चीज़ है, एक बिजली का जंक्शन है उसके एकदम एंट्री पॉइंट पर, और उसमें इनको ठेका करना है, मतलब CCTV कैमरा के साथ और अनुबंध करना है उनके साथ, और उसमें जो भी भूमि सुधार का काम करना है और करना है, और जो यूटिलिटी शिफ्टिंग में बिजली विभाग वो सब कर रहे हैं हम मॉनिटर कर रहे हैं, ये इन्होंने अगले 2 हफ्ते में पूरा करने की बात कही है, हम इसका अनुसरण कर लेंगे, और जैसे जैसे बनता जा रहा है, जहाँ 3-4 जगह ऑलरेडी चल रहा है पार्क, अभी काली मंदिर के सामने, सिटी मॉल के सामने और ये सब, तो उसमें आप कोई इशू आता तो हम लोग ये बताओ कि कब तक मुझे ये वाला अगर आप कर देंगे ये लेबर कमीशन वाला कब तक करेंगे, लेबर कमीशन ऑफिस और कंसरी वाला, हाँ तो आप उसको खाली करके वो एरिया अलग है सर के बगल में जो सर पहले शायद वो अधिवक्तागण आए सर आपसे मिलने के लिए। माननीय ADG महोदय और मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में सभी विभागों के अंतर विभागीय समन्वय के लिए यातायात व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए, लोगों के लिए अच्छी सुविधा मिले यहाँ पे, उसके लिए एक बैठक की गई थी, बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई थी, जो कार्ययोजना अभी तक विकसित की गई है उसके संबंध में विस्तृत चर्चा होकर निर्देशित किया गया है संबंधित विभागों को। अभी अतिशीघ्र पथ पवित्रताओं के लिए व्यवस्थाएँ की जाएंगी और रोड वाइडनिंग के जो काम चल रहे हैं और अभी गतिमान हैं उसको तेज़ी लाने के लिए और गुणवत्तापूर्ण पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया, जंक्शंस पे इम्प्रूवमेंट कराने के लिए दिए गए
चार पांच टीमें गठित की गई हैं। उन टीमों के द्वारा पुलिस प्रशासन की अध्यक्षता में वहां नगर निगम प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी के टीमों के साथ उपकरणों के साथ वहां अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। वहां पे सड़क के चौड़ीकरण के कार्य और विस्तारीकरण के कार्य किए जाएंगे और साथ ही साथ जो हमारा कंट्रोल रूम चल रहा है वहाँ से ई चलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और वहाँ गाड़ियों का जहाँ सड़क पर खड़ी होंगी वहाँ टोइंग की कार्रवाई प्रवर्तन की कार्रवाई वहाँ की जाएंगी और साथ ही साथ जो सड़क पे जो निर्माणाधीन कार्य हैं उसमें कार्यदायी संघों को स्पष्ट निर्देशित किया गया है पटरी पे काम वो सब कार्य पूर्ण कर लें और कहीं पे भी पेडेस्ट्रियंस को या यहाँ यातायात के लिए किसी को भी कोई दिक्कत ना हो।